ओपी अंतर्गत सेंट्रल सौदा में कांग्रेस नेता सहारा इंडिया के मैनेजर कमलेश नारायण शर्मा की हत्याकांड का खुलासा रामगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया। एसपी ने बताया कि पूरी घटना बदले की भावना से कांग्रेस नेता की हत्या की गई थी। कमलेश नारायण शर्मा की हत्या के पीछे मामला पुरानी रंजिश का था और बदले की भावना से हत्या जैसे जघन्य घटना को अंजाम अपराधियों ने दिया है। हत्या के आरोपी महावीर चौधरी और उसका बेटा राजन का पहले भी अपराधी इतिहास रह चुका है। दोनों ही हत्या के केस में 14 साल की सजा पहले ही काट चुके हैं। पिछले वर्ष जेल से निकले थे और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया है। सुनिए एसएसपी रामगढ़ प्रभात कुमार ने क्या कहा। 16 अक्टूबर 2021 को रामगढ़ पुलिस को एक सूचना मिली कि भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में एक आदमी की हत्या हो गई है। जब पुलिस तफ्तीश की तो उसमें पता चला कि 15-16 की इंटरवीनिंग नाइट में एक आदमी अपने क्वार्टर में सोए हुए थे अपनी पत्नी के साथ, तो उस आदमी की हत्या कर दी गई थी और उस वारदात के समय उनकी पत्नी भी जख्मी हो गई थी। इसके बाद SDPO पतरातू के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी इस कांड का जल्द से जल्द उद्भेदन करने के लिए। तो ये इस कांड में कुल 4 आदमी शामिल थे, चारों की गिरफ्तारी हो गई है। इस कांड में प्रयुक्त किए गए एक सावल जो लोहे का मोटा रड है और एक लोहे का पतला रड है उसको भी बरामद किया गया है। और इसके इस वारदात के पीछे जो कहानी आ रही है कि इस कांड के जो अक्यूज्ड हैं वो पहले भी जेल जा चुके और उनका हिस्ट्री बहुत क्रिमिनल रहा है। तो ये जिस आदमी की हत्या हुई है उस अक्यूज्ड को किसी एक केस में पुलिस को सूचना दे के अरेस्ट करवाए थे और इसी से खुन्नस में इसने रिवेंज के रूप में ये हत्या का घटना किया है। थैंक यू। धन्यवाद। मैं अनुशील ओझा और आप देख रहे थे दृष्टि नाव।